फिल्म अभिनेता गोविंदा ने अपनी पत्नी सुनीता आहूजा तथा गायक नितिन कुमार सहित मां चिंतपूर्णी दरबार में आकर माथा टेका और अपना जन्मदिन मनाया। गोविंदा ने मां के दरबार में पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की और मां का आशीर्वाद भी लिया। इस दौरान गोविंदा ने मंदिर परिसर में ही अपने जन्मदिन का केक भी काटा। जन्मदिन का केक काटते जाने पर मंदिर परिसर में मां की भक्ति के गीतों और भजनों का दौर भी चलता रहा। स्वयं गोविंदा भी जहां मंदिर में पूजा अर्चना के दौरान मां के मंत्रों का उच्चारण करते दिखाई पड़े, वहीं जन्मदिन का केक काटे जाने के दौरान मां के भजनों को मंत्रमुग्ध होकर गुनगुनाते और सुनते भी रहे। गोविंदा ने मां से सभी बाधाएं दूर करने और बेटे यशवर्धन के बेहतर भविष्य की मन्नत भी मांगी। इस दौरान मंदिर प्रबंधन की तरफ से मुख्य पुजारी रविंद्र शिंदा ने उन्हें माता की चुनरी देकर सम्मानित किया। दिग्गज फिल्म स्टार ने बच्चों संग डांस कर बच्चों का मन भी मोह लिया। यही नहीं, उन्होंने श्रद्धालुओं के साथ दिल खोलकर सेल्फी भी खिंचवाई। शरीर की रक्षा करो, समाज की रक्षा करे, ठाकुर भाव श्री बलम कुमार के आम श्रभावती राज राजेश्वरी चिन्मनी छिन्मन ये यशवर्धन से मां जी इस परिवार को अपने चरणों की भक्ति देनी, मां जी सब मनोकामना पूरी कर अंदर ही है। मां जी यशवर्धन को छोटा गोविंदा बनाना, फिर खुशियों के साथ मां जी इसकी फिल्म भी बनेगी जल्दी जल्दी, कदा हीरो नंबर वन बनाना, सुनीता जी को अपना आशीर्वाद रखना, देश विदेश ये साल जो है मैं माता के चरणों में कहेगा सुपर हिट रहेगा। मैं आया जो तवानी खुशियां।